अभी आपके सामने शुरू हो रही है स्टैंडर्ड वन की हिंदी क्लास। इस क्लास में आप सभी को वर्ण की भली भांति परिचय पहचान होनी चाहिए। इसलिए आप सभी से कहना है कि वर्ण को अच्छी तरह आप लोग याद करें। कौन वर्ण के बाद कौन वर्ण होता है, किसके आगे कौन वर्ण होगा, कौन वर्ण के बीच में कौन सा वर्ण होगा, ये आप सबको भली भांति अभ्यास करनी चाहिए। पहले आप सभी को एक नंबर प्रश्न में लिखा गया है कि आपको क से न तक लिखनी होगी। क के बाद क्या होगा, ख के बाद क्या होगा, ग के बाद क्या होगा, इसी तरह आप सभी को क से न तक लिखना होगा। और लिखाई अच्छी तरह होनी चाहिए। ये हुआ पहला प्रश्न के उत्तर। दूसरे वर्ण में आपको लिख आप सभी लिखें छ के बाद क्या होगा, ख के बाद क्या होगा, उह के बाद क्या होगा, ई के बाद क्या होगा, अन के बाद क्या होगा, घ के बाद क्या होगा, आ के बाद क्या होगा, च के बाद क्या होगा। तो आपको छ के बाद कौन सा वर्ण आना चाहिए ये आप जानते हैं। छ के बाद झ, ख के बाद ग, उ के बाद ए, ई का बाद ए, अं के बाद अ, घ के बाद मुआ, आ के बाद ई, च के बाद छ। ये हुआ आपको सभी वर्ण के आगे के अक्षर लिखनी होगी। ये लिखाई आपके पढ़ाई के ऊपर निर्भर करता है कि आप सभी अक्षर को भली भांति जानते हैं। अगर जानते हैं तो आपको लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब तीसरे में आपको वर्ण को सजाकर लिखना होगा। वर्ण को सजाकर लिखने का अर्थ यही है कि आपको ज, च, य, छ, झ ये लिखा गया है। तो पहला वर्ण शुरू के वर्ण कौन सा होता है, च वर्ण में च, च के च, छ, ज, झ, य ये आपको लिखना है। ओ ए अं ए ओ, ए ऐ ओ अं ओ ये आपको लिखना होगा। अब तीसरा लाइन ग म ग म उंग अ घ कह क। तो पहला वर्ण क है। क के बाद आपको लिखना होगा क ख ग घ उ। अब क से आपको एक शब्द बोलनी होगी। कौन सा शब्द, क से क्या होता है, क से कौआ, ग से गमला, ख से खरगोश, घ से घर, च से चूहा, छ से छतरी,
अब बीच वाले वर्ण जो है वो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ज आ इया का बीच वाले शब्द क्या होगा, आ के बाद उ लिखा हुआ है, अ के आ ई उ, ग के बाद क्या होगा, ग और उम का बीच क्या होगा, घ। इसी तरह आपको ये सब लिखना है। अब वर्ण को चित्र के साथ मिलाइए, यहां चित्र नहीं है, बगला में लिखा हुआ है तरमूज, बगला में चश्मा की आपका छवि है, घोड़ा का छवि है, इंदूर का छवि है, ओल का छवि है, ये चित्र नहीं रहने के कारण ये सब लिखा हुआ है। अब च से क्या होगा, आप लोग बहुत जल्दी बोल देंगे, च से चश्मा। हिंदी में चश्मा को ऐनक बोला जाता है, घोड़ा को घोड़ा ही बोला जाता है, और इंदूर को क्या बोला जाता है, चूहा, और तरबूज हिंदी में तरबूज नहीं बोलता है, बोला जाता है खरबूज, क्या बोला जाता है, खरबूज। एक से क्या होगा ऐनक, च से क्या होगा चूहा, घ से क्या होगा घोड़ा, ख से होगा खरमूज, और ओ से होगा ओल। बस यहीं तक आपका हिंदी का जो प्रश्न है ये आपको दिया गया है, ये आपको अभ्यास करना होगा, और चित्र देखकर भी आपको याद करना होगा कि हिंदी में क्या बोला जाता है। हिंदी का अर्थ हिंदी ही है, इसलिए आप लोग को ये हिंदी की पहचान भली भांति होना चाहिए, और आप लोग अच्छी तरह लिखाई पढ़ाई करें। ये कर हमारा हिंदी क्लास यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।